मीना आज अपने छत पर सो रही है, बहुत अधिक गर्मी है। अरे सावन का महीना भी आ गया है, मुझे मार्केट भी जाना होगा। सावन की तैयारियां करनी है, उसके लिए बहुत सारी सामग्रियां खरीदनी होगी। गीता तो अभी भी सो रही है गहरे नींद में। मैं गीता को भी ले लेती हूँ, नहीं तो वो बहुत रोएगी। अरे गीता, कितना सो रही हो, जल्दी उठो। अब सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाती हूँ और शिल्पा के यहाँ भी पूछती हूँ कि वो भी मार्केट चलेगी तो अच्छा होगा, साथ ही चले जाएंगे। मिट्टी के बर्तने भी खरीदनी है। ओह, बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं। ध्यान से चलना होगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। पता नहीं शिल्पा अभी जगी होगी या सोई होगी। अब मैं उतर गई नीचे, अब इसको मैं झूले में रख देती हूँ, वहीं पे रहेगी। गीता को तो झूला झूलना बहुत ही पसंद है, उसको उसी में सुला देती हूँ। गीता को झूले में सुला देती हूँ। गीता को कैसे छोड़ कर जाऊँ यहाँ, मार्केट में तो बहुत भीड़ होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ये रहा झूला, इसमें गीता को रख देती हूँ, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। बेचारी सुनीता बहुत गरीब है, मार्केट में सामान बेच रही हूँ। चलो मैंने रख दिया, अब मैं इस तरह से मीना अपने बच्चे को झूले में रखकर शिल्पा के यहाँ जा रही है। घर में कितने सारे काम है। वो मैंने गीता को तो झुलाना ही भूल गई, जाकर झुला देती हूँ तो वो जल्दी सो जाएगी। गीता को नहीं झुलाएंगे तो वो जल्दी ही जग जाएगी और बहुत तंग करने लगेगी। अब हो गया, अब उसको नींद अच्छी आएगी। गीता सो गई, अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो बहुत शाम हो जाएगी। शिल्पा को तो कुछ भी याद नहीं रहता है, सावन का महीना भी आ गया है और वो मार्केट जाने के लिए भी तैयार नहीं होती है। शिल्पा से पूछ लेती हूँ कि वो मार्केट जाएगी, क्योंकि सावन का महीना आ गया है, बहुत सारे सामग्रियाँ खरीदना है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरे यहाँ तो कल मेहमान भी आने वाले हैं। अरे शिल्पा का घर कितना दूर है, बहुत चलना पड़ता है, थक जाती हूँ चलते चलते। चलो वहाँ दिखाई तो दे रहा है शिल्पा का घर, अब नज़दीक में ही है। शिल्पा बहुत ही आलसी है, लगता है अभी तक सो ही रही होगी। अच्छा देखती हूँ क्या कर रही। चलो आ गया शिल्पा का घर, देखती हूँ कहाँ है वो। घर में तो नीचे दिखाई नहीं दे रही। अरे शिल्पा तो कहीं नीचे दिखाई नहीं दे रही है, कहीं ऊपर होगी, देखती हूँ, आवाज़ देती हूँ। शिल्पा, शिल्पा, अरे शिल्पा अभी तक सो रही है, मैं छत पर ही चली जाती हूँ और फिर जगाऊंगी उसको। शिल्पा का सीडी कितना अच्छा है, मेरा तो खराब बन गया है सीडी। चलो आखिरकार मैं छत पर पहुंच ही गई, अब जगाती हूँ शिल्पा को। अरे शिल्पा जल्दी उठो, अरे शिल्पा जल्दी उठो। अरे तुम छत पर कैसे मीना, मैं बहुत देर तक सो गई। ओह अच्छा ठीक है, क्या बात है। अरे मालूम नहीं है, सावन का महीना आ गया है, सावन के लिए बहुत सारी सामग्रियां खरीदनी है, मार्केट नहीं चलोगी। हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, हाँ मुझे जल्दी से तैयार होना है और मार्केट के लिए जाना होगा। ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम नीचे चलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, तब तक। इस तरह से मीना धीरे धीरे नीचे आ गई। मैं थोड़ा फ्रेश हो मुझे जाती बहुत हूँ। जल्दी फ्रेश होना होगा क्योंकि मार्केट जाना है और बहुत सारे सामान भी तो खरीदना है। ये पानी भी ठीक से नहीं आ रही है, कभी दाएं तो कभी बाएं, इधर उधर से आ रही है। मैं ठीक से पानी से ट्रेस भी अपना नहीं हो फ्रेश पा होने रही जा रही हूँ। है। शिल्पा फ्रेश हो गई, अब मार्केट के लिए तैयार होने जा रही है। तो लिया से मैं फ्रेश पहुंच लेती हूँ। चलो हो गया, अब नीचे जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो मम्मी?
आज मुन्नी तो बहुत ही जल्दी जग गई। क्यों मुन्नी, तुम्हें भी मार्केट जाना है क्या जो इतनी जल्दी जग गई? आओ नीचे छत, चलो नीचे तुमको भी ले चलते हैं। धीरे धीरे शिल्पा, बहुत ही धीरे धीरे चलना होगा, नहीं तो मैं मुन्नी को लेकर सीढ़ियों से गिर जाऊंगी। थैला लेना तो मैं भूल ही गई, अब थैला भी ले लेती हूँ। ठीक है मुन्नी, अब नीचे उतर, मैं उधर से थैला लेके आती हूँ, तुम सब यहीं रहो। इस तरह से शिल्पा थैला लेने जा रही है, वो छत पर रख दी है। अरे थैला तो छत पर ही छूट गया, उसको भी लेकर आना होगा। ओह मैं कितनी भुलक करूँ, हर बार भूल जाती हूँ। उधर मीना परेशान हो रही होगी, मैं जल्दी थैला ले जाती हूँ, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगी इतना देर जो लगा रही हूँ। एक तुम्हारे लिए भी थैला लेकर आ रही हूँ मीना, सावन का महीना है तो हरी हरी चूड़ियाँ भी लेना है हमको, मीना को भी बोलती हूँ वो भी लेगी। ये तुम ले लो थैला। ठीक है मैं रख लेती हूँ, अब चलो मार्केट। ठीक है अब मार्केट चलो। इस तरह से दोनों मार्केट जाने लगे। शिल्पा थोड़ा धीरे चलो, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। हमें धीरे चलने की आदत नहीं है मीना, मुझे जल्दी ही चलना पड़ेगा। शिल्पा तो मेरी बात ही नहीं मान रही है, मैं क्या करूं, मैं पीछे छूट जाऊंगी। अरे शिल्पा जल्दी रुको। अरे मार्केट तो आ गई। मुन्नी को उस कुर्सी पर बैठा देती हूँ, फिर उधर का सामान खरीदेंगे। अरे वाह बहुत अच्छे से बैठ गई है, तुम यही रहो मैं दूसरा सामान खरीदती हूँ तब तक। अरे कितनी अच्छी मिट्टी की बर्तने हैं, पूछती हूँ कैसे है। बहुत अच्छी है, यहाँ पे पूछती हूँ कि इसका कितना दाम है। अरे कैसे दे रही हूँ मिट्टी का घड़ा, मुझे चाहिए एक मिट्टी का घड़ा, ये वाला बहुत अच्छी है, जल्दी बताओ इसका दाम कितना है। अरे वो 5 रुपये, बहुत ही अच्छी है। ठीक है मैं रख लेती हूँ, चलो अब दूसरा चीज़ देखती हूँ, पूछती हूँ कि मीना कुछ खरीदेगी कि नहीं। मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा चाहिए, मैं भी एक ले लेती हूँ। अरे कितनी प्यारी घड़ा है, मैं इसको ले लेती हूँ, ये मेरे घर में बहुत अच्छे लगेंगे। अब दूसरा सामान देखती हूँ, पैसे अभी दे देती हूँ, रुको 10 रुपये उसको दे देती हूँ, इसमें शिल्पा का भी पैसा है, ये रख लो 10 रुपये, दोनों का पैसा है इसमें। थैला को यहीं पर रख देती हूँ और उधर दूसरा सामान खरीदने जाती हूँ। अरे वहाँ पे कितना बड़ा कछुआ है, उसको भी अपने घर ले जाएंगे, पूछते हैं कितने का है। ये कछुआ कितने का है? ये 200 रुपये चाहिए है तो ले जाइए इसको। ये कछुआ बहुत ही अच्छी है, बहुत मेहनत से बनाई है, ऐसा कछुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर कछुआ है, इसे अपने पोखरे में रख देना घर के पास, बहुत अच्छी लगेंगी। वाह ये कछुआ तो बहुत ही प्यारी है, इसको ले जाते हैं घर पर, 200 रुपया दे देते हैं उसको। अरे ये बहुत ही प्यारी कछुआ है, इसको ले जाती हूँ 200 रुपये में। ये 200 रुपये है, रख लीजिए। ठीक है कछुए को तुम ले जाओ। धन्यवाद जो आपने हमारा कछुआ खरीदा। इसको मैं अपने वहाँ रख लेती हूँ थैले के पास। अरे ये तो बहुत ही भारी है, इसको कैसे ले जाएंगे घर। अच्छा हाँ भाई साहब, ये सब्जियाँ कितने की है, हम दोनों को लेना है, सही रेट बताइए तो रख लेते हैं 1 केजी। ठीक है 20 रुपये किलो है। कितने रुपए की है ये अमरूद? ये 40 रुपये केजी है।
ठीक है मुझे 1 केजी दे दीजिए, मैं रख लेती हूँ। ये कितने ताज़े लग रहे हैं, पूजा के लिए सही होगा, इसको रख लेते हैं। मीना तुम भी ये खरीद लो, बहुत अच्छी है। मैं एक नींबू ले लेती हूँ। भाई साहब ये नींबू 1 कितने की है? 5 रुपए की है। इसमें सारा सामान रख दीजिए। ठीक है अभी रखता हूँ। ठीक है मैंने पैसे भी रख दिए, अब घर जा रहे हैं। सारी चीज़ें खरीद लिए मैंने। अरे वहाँ पे तो एक खिलौना दिख रहा है, वो भी ख़रीदना है। मैंने सारे सामान खरीद लिए, अब घर जा रहे हैं। सारा सामान हो खरीद लिए, खिलौना भी खरीद लिए मुन्नी के लिए। घर पर मुन्नी ठीक होगी या कोई उसे किडनैप तो नहीं कर लिया, ये देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।